हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर क्लास 11th का डिस्कस कर रहे हैं, विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. तो देखो, हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. हमने ब्लेड्स हो गए, व्हील्स हो गए, इनका मोशन देखा होगा. अब इनका जो मोशन होता है ये समथिंग डिफरेंट होता है. ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रोटेशन है, राइट. सो अभी तक जो हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा, सो ट्रांसलेशन मोशन में हमने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट. सो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो उसमें हम हमारे पास कितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, वो सब मतलब कितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हों, सिमिलर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल मूव विद द सेम वेलोसिटी. बट हमारे पास रोटेशन में ऐसा नहीं होता. अब जैसे हम व्हील्स का ही मोशन कंसिडर करें, सो उसमें व्हील्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब उन डिफरेंट पार्ट्स में हर बारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा. सो रोटेशन में यही सिस्टम मीन्स जो ट्रांसलेशन मोशन है और रोटेशन मोशन में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि ट्रांसलेशन में हर एक पॉइंट की सेम वेलोसिटी होती थी, बट रोटेशन में ऐसा नहीं है. अब हम आगे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे हमारे पास सेंटर ऑफ मास इफेक्ट कर रहा है किसी बॉडी का. सो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास. बिल्कुल आज की क्लास, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद सम हायर लेवल क्वेश्चंस. सो फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास सेंटर ऑफ मास. देखो, सेंटर ऑफ मास मींस मास का कुछ सेंटर. अब मास के सेंटर का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि हमारे पास एक कोई लोडेड ट्रक है, तुमने देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रक होता है जिसपे ओवरवेट सामान रखा होता है, बहुत ज्यादा लोड किया होता है, तो वो ट्रक ना एक साइड से बेंड होता है और वो उस साइड से बेंड होता है जिस साइड पे मास ज्यादा होता है. इसका मतलब अब उसका एक जो सेंटर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द हायर मास. तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास एक बॉडी का वो सेंटर पॉइंट होता है जिस पे हम कंसीडर करते हैं कि उसका होल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड. जैसे अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक, तो अगर मेरे पास एक स्फीयर है, बॉल स्फीयर है ना, तो वो एकदम रेस्ट पे रखी हुई है ना, उसकी सारी साइड से शेप, साइज, डेंसिटी सब इक्वल है, इसी वजह से वो एकदम ऐसे फुली फुली दिखाई देती है बोल, है ना. सो इसका मतलब उस बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है, दैट इज लाइंग एट इट्स सेंटर. अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक साइड मास ज्यादा हो गया, उसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द हायर मास. सो सेंटर ऑफ मास स्टूडेंट्स एक वो पॉइंट है बॉडी का, रिजिड बॉडी का. रिजिड बॉडी मीन्स ये सब रिजिड बॉडीज हैं जिसकी एक फिक्स शेप है, है ना. सो सेंटर ऑफ मास हमारे पास एक वो पॉइंट है जिसपे हमारे पास बॉडी का पूरा मास कंसेंट्रेट होता है. दैट होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. अब ये सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन डिराइव करते हैं, देखो कैसे. लेट सपोज मेरे पास एक मास m1 है और दूसरा मेरे पास है m2 मास. मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे है, दो मास है, इसका सेंटर यहाँ पे है और यहाँ पे मेरे पास एक कुछ O पॉइंट है, ठीक. अब इस O पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया x, और हमारे पास इस O पॉइंट का m1 तक डिस्टेंस हमने मान लिया x1 और O पॉइंट से m2 तक डिस्टेंस मान लिया x2, ठीक. तो अब मैंने बताया कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, अगर वो सेंटर पे लाई कर रहा है इन मास m1 और m2 के बीच में, सो सेंटर पे लाई करने का मतलब क्या है कि वो उसकी मीन वैल्यू के इक्वल होगा, राइट. तो देखो, हम यहां से लिख सकते हैं. सबसे पहले देखो हाउ टू राइट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सी
फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय, कैसे है, दैट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, ये हमारे पास किसके इक्वल है, मास m1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब जो भी मास है, फर्स्ट मास है मेरे पास m1, m1 को मल्टीप्लाई कर दो उसके डिस्टेंस से, कि ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, सो दैट इज m1 x1, प्लस दूसरा मास क्या है m2, m2 इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, x2, सो m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद हमारे पास, अगर मैंने ये बोला कि हमारे पास लेट सपोज कि ये m1 और m2 मास इक्वल है, तो यहाँ पे देखो, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो हमारे पास ये x किसके इक्वल हो जाएगा, एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू अपॉन एम प्लस एम, दैट इज टू, सो x विल बी इक्वल्स टू m, यू कैन टेक इट एज कॉमन, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2m, m to m will cancel, so x will be equals to x1 plus x2 by 2. इसका मतलब कि जो m1 और m2 मास अगर हमारे पास इक्वल हो गए तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, यानी कि ये देखो उसकी मीन वैल्यू के इक्वल हो गया ना, ये डिस्टेंस x, x1 plus x2 by 2. That means center of mass अब exactly कहाँ लाई करेगा, उसके center पे। अब students यहाँ पे तो सिर्फ दो mass थे, let's suppose कि मेरे पास n number of masses हैं, है ना, जो किसी distance से separate हैं, तब हम उस point की मतलब position of center of mass को कैसे define करेंगे, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, that x will be same. Let's suppose m1 is separated by distance x1 plus m2 is separated by distance x2 plus m3 is separated by distance of x3 up to so on that mn is separated by distance of xn divided by this m1 plus m2 up to mn, right? So ab yahan se hamare paas kya ho jayega, summation I equals to 1 to n. अब देखो मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को n number of masses को represent करना है, तो उसके लिए students मैंने क्या किया, ये m1 x1 था, m2 x था, तो मैं उसको एक I से represent कर लेती हूँ, देखो कैसे, means ये mi xi divided by mi, अब I की जगह 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 x1 by m1, मतलब यही टर्म आ गई, I 1 से n तक जा रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है, n पे, तो हो गया m1 x1, फिर I की वैल्यू 2 रख दो तो m2 x2, I की वैल्यू n रख दी तो mn xn डिवाइडेड बाय mn, सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास किसकी, x की। सिमिलरली अगर हमारे पास y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, सो y मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू n mi yi upon mi. Similarly, अगर मुझे z की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो मेरे पास z क्या हो जाएगा, समेशन i equals to 1 to n mi zi by mi. i की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक जा रही है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर n तक, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए 1, 2 बी 4, 6
एंड सी माइनस थ्री माइनस टू. नाउ थ्री पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल हैं हमारे पास, उसका मास गिवन है 1 kg, 2 kg एंड mkg. Are placed at the vertices of a triangle. If the coordinates, center of mass के coordinates हमारे पास given है. If the coordinates of center of mass are 3/5, 2. कैलकुलेट मास है. अब देखो हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एक कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी. एक ट्रायंगल है एबीसी, ए 1 2, बी 4 6, सी ये. ये देखो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ये मान लो ए, ये बी और ये सी. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 4 6, और सी के कोऑर्डिनेट्स है -3 -2. और तीन पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, 2 kg एंड mkg. सो दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg एंड दिस इज mkg. नाउ दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और ये इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, और इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3/5, 2. अब मुझे मास की वैल्यू निकालनी है, सो सेम फॉर्मूला पुट करो. m1 x1 m2 x2 अब तुम्हारी मर्जी है. देखो x कोऑर्डिनेट से चाहे सॉल्व कर लो, चाहे इसको y कोऑर्डिनेट से सॉल्व करो, आंसर विल बी सेम ओनली. अब हमारे पास अगर मुझे x cm निकालना है, x सेंटर ऑफ मास, सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू, तीन कोऑर्डिनेट है ना, तो उसको लिख दो सिंपल m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. सो यहाँ से x ऑफ सेंटर मास क्या आ जाएगा, फर्स्ट मास क्या है m1. इसको ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा पहली बार में, तो इसको ऐसे लिख लो सिंपल x1 y1 x2 y2 x3 y3. सो m1 कितना है 1, x1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, x2 कितना है m3 कितना है m और x3 कितना है -3. 1 प्लस मास इज 2 प्लस m. बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. x सेंटर ऑफ मास हमारे पास गिवन है कितना है यहाँ पे 3/5. सो योर 3/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 माइनस 3m 3 प्लस m. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 5 प्लस 40 माइनस 15m. बस इसको सॉल्व करोगे सो मास का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मीन्स एग्जैक्टली आ जाएगा 2 kg. अब चाहे इसको xcm लेकर सॉल्व करो, चाहे ycm लेकर चलो, तो ycm के केस में क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट लग दो 2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू y1 मतलब 1 इंटू 2 प्लस m2 इंटू y2 सो 2 इंटू 6 प्लस m3 मतलब m इंटू y3 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय तीनों मास 1 प्लस 2 प्लस m. बस सेम वैसे ही आ गया, 2 प्लस 12 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 3 प्लस m. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 14 माइनस, तो ये इधर आके हो गया 4m 8, तो m हमारे पास कितना आ गया 2 kg. सो आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन को xcm लेके सॉल्व करो, चाहे क्वेश्चन को ycm लेके सॉल्व करो, राइट. तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना. अब देखो इसका एक और क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर टू. नाउ थ्री पॉइंट मासेस, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. एम वन दे रखा है 2 kg, एम टू दे रखा है 4 kg और एम थ्री दे रखा है 6 kg. नाउ दे आर कैप्ड एट द three corners of an equilateral triangle. Of side 1 meter. Find the location of their center of mass. अब हमारे पास तीन masses हैं, 2, 4 और 6. अब उसको हमने क्या रखा, triangle के corners पे रखा जिसकी side है हमारे पास 1 meter. हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है. देखो अब सॉल्व करने का मेथड क्या है कि हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास m1 मास है उसको हम एक मास को ओरिजिन से स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे यहाँ पे ले लो m1 मास, ये ले लो m2 और यहाँ पे ले लो स्टूडेंट्स m3, m1, m2 एंड m3. अब हमने उसको सेपरेट कर दिया, ये है 1 meter, ये भी 1 meter और ये भी 1 meter, m1, m2 और m3. अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे. अब क्या दे रखा है, m1 का मास कितना है 2 kg, ये है 4 kg और ये है मेरे पास 6 kg. साइड दे रखी है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है. तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास m1 इज लाइंग एट द ओरिजिन, इट मीन्स स्टूडेंट्स दैट x1 y1 is equals to 0, 0. Then m2 के coordinates मान लो, m2 क्या है x2 y2. अब ये हमारे पास इस axis पे lie कर रहा है, इसका मतलब y coordinate तो 0 होगा और x coordinate इसकी value क्या होगी, 1. coordinates लिखने आने चाहिए तो हो जाएगा 1, 0. अब m3 यहाँ lie कर रहा है, so m3 के coordinates क्या होंगे, x के along और y के along. अब ये m3 है मतलब ये point. Then, so x के कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां तक जो x का डिस्टेंस होगा x के कोऑर्डिनेट के लिए पूरा 1 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1/2. So, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट 1/2. दूसरा, अब ये हो गया हाफ, अब इसको ये फाइंड आउट कर लो. राइट, सो हमारे पास इसको जब फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी √3/2. That hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So, यहां से y coordinate हमारे पास कितना आ गया, √3/2. कैसे चेक किया, x coordinate देखा, x axis से x coordinate आएगा, पूरा 1 meter है तो half कितना हो गया 1/2, ये 1/2 लिखा है. अब दूसरा हमारे पास कितना हो गया, √3/2 Pythagoras theorem से. बस अब तो हो ही गया task, x इसकी value आ गई x3y3 की, 1/2 into root 3/2. अब हम क्या इसकी वैल्यू लेंगे, x of center of mass, m1 x1, so m1 क्या है 2, x1 क्या है 0, m2 क्या है 4, x2 क्या है 1, m3 क्या है 6, x3 क्या है 1/2, 2 plus 6 plus 4, so 4 plus 3 is 7, 10 by 12, 7 by 12 meter. तो ये आ गया XCM. Similarly, हम YCM निकाल लेते हैं. So, M1 into Y1. M1 क्या है? 2. Y1, 0. M2, 4. Y2 हमारे पास कितना है? 0. Plus M3. M3 कितना है? 1/3. Y3 मेरे पास कितना है? 6. Sorry. M3 है 6. Y3 कितना है? √3/2. Divided by 2 plus 4 plus 6, right? बस अब इसको solve करोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये cancel हो गया, तो ये आ गया 3/3/12. So, ये कितना आ गया? √3/4.
सो यहाँ से स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, फर्स्ट 7/12, दूसरा √3/4. तो ये हमारे पास आ गए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स. सो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे तुम कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो. कौन सा एक्सिस है एक्स को, मतलब अगर हम एक्स को एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई जीरो होगा. वाई एक्सिस है तो वहां पे वाई की वैल्यू होगी, एक्स जीरो होगा. तो ऐसे हमारे पास कोई भी शेप आ सकती है. लेट सपोज स्क्वायर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट. सो दैट इज सिंपली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, राइट. सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका केस सीखेंगे, दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ, लाइक अगर हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताती हूँ. जैसे अगर हमारे पास डिस्क है ना, सो उस डिस्क के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड देखना होगा. अब तुम्हें डिस्क दे दी, तुम क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना. सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रोड है. सो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट रोड है, उसके से मुझे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है? सो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड. सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके देन, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.